हम तुम्हारे साथ। तो भाई मैं जाऊंगा लेके, जितना मेरे से हो सकेगा मैं लेकर आऊंगा, किराया मैं लगाऊंगा। यू काम बहुत ही हिम्मत का है, हमारे समाज के लोग डरेंगे, हमारे ये मेरे भाई बेटे सब डरेंगे, आज आकाश ने जिम्मा उठाया है। लेके सारे भाई इस वीडियो को अपने स्टेटस पे लगाओ, व्हाट्सएप पे शेयर करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि भाई मुझे इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए। ये हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। और भाई दिन की शुरुआत हुई थी 4 बजे से। कुछ कहना चाहोगे भाई? मैं कह रहा हूँ प्रचित भाई हैं अपने, और इनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, भाई का चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जल्दी से 2500 पहुंचा दो, फेमस कर दो, और भाई के फॉलोवर्स आग लगा दो, आग आग। लो भाई पब्लिक तो बहुत आ गई, और ये रहा बैनर, अभी लगाया जाएगा, और जो भी कुछ बताएंगे भाई आगे आपको लोगों में बता देंगे। गांव की जनता बैठी हुई है सारी सारी। लो ले भाई, सारे सारे भाई खड़े हैं अपने, जनता है, जनता तो है। कुछ तो क्या हो, हिसाब तो जब ही बनेगा। बस तो यही चाहिए। और सभी ने यहाँ पर आकर अपना आशीर्वाद भी दिया। साथ ही साथ मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा, मैं आकाश यादव, ग्राम ईसापुर से। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि गांव ईसापुर से कैथाले से भी उतना ही लगाव रहा है, स्वर्गीय राजपाल मास्टर जी का मैं बोलता हूँ। और जिस तरीके से मैंने बताया कि गांव ईसापुर से ही उतना लगाव रहा है जितना कैथाले से, क्योंकि ज़्यादा अपनी पूरी उन्होंने दूसरी यहीं करी, तो वो लगाव, वो अटैचमेंट आप सभी लोगों से रहा है। साथ ही साथ करने से पहले या शुरू करने से पहले हमें एक अध्यक्ष की जरूरत होती है, और मैं इस अध्यक्षता के लिए आप सभी के बीच से आप सभी के बुजुर्ग श्री चंद्रपाल सिंह जी को यहाँ पर बुलाना चाहूँगा, और वो यहाँ पर मंच पर आए और अपने स्थान ग्रहण करें। और मैं इनको सम्मानित करने के लिए श्री रमेश यादव जी ग्राम रजोकरी से, रम यादव जी ग्राम कैनाला से आए और टोपी पहनाकर सम्मानित करें। इसके लिए क्षमा चाहूंगा, थोड़ा नाम में कन्फ्यूजन। कोई बात नहीं, हो जाता है। अब जैसा कि हम सभी लोग सर्व समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, मैं सर्वप्रथम आपको उसका उद्देश्य बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर प्रत्येक राज्य में आवाज उठ रही है और एक अही रेजिमेंट की मांग की जा रही है कि भारतीय सेना में अही रेजिमेंट का गठन हो, क्योंकि जिस तरीके से अन्य जातियों के भी रेजिमेंट हैं, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट या कुमाऊं रेजिमेंट, इसी तरीके से भारतीय सेना में अही रेजिमेंट भी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का गौरवशाली इतिहास उन वीर सपूतों का रहा है जिन्होंने भारत माँ की रक्षा करते हुए एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं अपने परिवार में अकेला हूँ या मेरा भाई अकेला रह जाएगा या मेरी माता अकेली रह जाएगी, और हंसते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उस वीर शहादत को सम्मान दिलाने के लिए भारतीय सेना में अही रेजिमेंट की गठन की मांग की जा रही है, जो पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़े आंदोलन के रूप में उभर रही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं अभी हम उस लड़ाई में अपने आप को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। अगर मैं पश्चिम यूपी की बात करता हूँ, अपने क्षेत्र की बात करता हूँ, क्योंकि पूरे देश में ज़्यादातर हर राज्य में वो हर्षोल्लास देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अभी भी उस चीज़ में पीछे होते जा रहे हैं। या तो हमें लगता है कि ये काम हो नहीं पाएगा, या तो हमारी सोच ऐसी हो गई है कि पहले भी किसी ने प्रयास किया है कि ये काम हो नहीं पाया है, या फिर हम सोचते हैं कि मेरे वहाँ आगे जाने से या मेरा शामिल होने से क्या ये कार्य हो जाएगा। तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि हम सभी को इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना है और आगे आना है, क्योंकि ये समाज के हक में सम्मान की लड़ाई है।
और इसमें केवल यादव ही इस चीज की मांग नहीं कर रहे बल्कि पूरी 36 बिरादरियां इस चीज में सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि जब एक वीर जवान, जब एक आर्मी मैन भारतीय सेना में जब वो होता है और जब उसे शहादत मिलती है तो वो कभी भी ये सोच के शहादत नहीं देता है, शहीद नहीं होता है कि मैं केवल यादव जाति से हूँ तो मैं यादवों के लिए यहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष के लिए बल्कि जितने भी भारत के अंदर समस्त जातियाँ रहती है सभी की रक्षा करते हुए वो प्राण देता है। और इतना गौरवशाली इतिहास इसके पीछे रहा है, जिस तरीके से 1962 का रेजांगला बोल रहा हो कि जिसमें 114 वीर अनीरों ने सामने स्वयं मोह दिखते हुए, क्योंकि उस तरीके की फैसिलिटीज नहीं थी, उस तरीके के हथियार नहीं थे और सामने 5000 की संख्या और मात्र 120 लोग, लेकिन वो डटे रहे, टिके रहे और अपनी पोस्ट को छोड़ा भी नहीं और लगभग 3000 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस तरीके का गौरवशाली इतिहास वीर हीरो का रहा है। कारगिल वॉर की बात करूं तो हम सभी के चहेते और हमारे क्षेत्र से ही आने वाले मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र से सम्मानित श्री योगेंद्र यादव जी टाइगर हिल पर 17 गोलियां लगने के बाद भी तिरंगा लहराया। तो इस गौरवशाली इतिहास ये हमारी गाथा रही है कि हम कभी भी दुश्मन से ना डरे हैं ना पीछे अपने पैर खींचे, लेकिन आज इस लड़ाई में कहीं ना कहीं हम अपने आप को पीछे खींचते जा रहे हैं। ये केवल बुजुर्गों की या नौजवानों की लड़ाई नहीं है, ये हमारे आने वाले भविष्य को और सुनहरा बनाने की लड़ाई है कि जब एक रेजिमेंट होती है तो उसमें लगभग 27,000 जवान भर्ती किए जाते हैं। 16 साल की उम्र जब होती है तो बच्चा अपने अंदर पहला एक ख्वाब लेके आता है कि मैं अगर नौकरी करूंगा तो भारतीय सेना में नौकरी करूंगा। और मैं अगर अपने क्षेत्र की बात करता हूं तो ग्राम कैथाले से हर बार जब भी कोई भर्ती होती है तो जरूर दो चार हमारे नौजवान भाई सिलेक्ट होते हैं और अपना अच्छा प्रदर्शन करके भारतीय सेना हो चाहे अर्धसैनिक बल हो उसमें जाते भी है। तो उस सपने को और ताकतवर बनाने की लड़ाई है, उस सपने को साकार करने की लड़ाई है। क्या हम अपने आने वाले भविष्य के उस सपने को सच नहीं कर सकते? बताइए, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, कर सकते हैं? क्या हम इतने कमजोर हैं कि हम सब लोग एक जगह इकट्ठे होकर अपनी ताकत नहीं दिखा सकते? कहने के लिए 36 गांव और जब इकट्ठे होने की बात आती है तो 350 लोग, 300 लोग, जबकि 36 गांव में जब हम बोलते हैं बड़े प्राउडली मूवमेंट के साथ, कोई हमसे पूछता है कहां से हो आप, कि भाई 24 से हैं, पहले यही कहेंगे 24 से हैं बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में, फिर गांव का नाम लेते हैं और 36 कहते हैं या फिर, लेकिन जब इकट्ठे होने की बात आती है तो 0 हो जाते हैं। पता नहीं गांव गांव इस तरीके की विचारधारा हो गई है, लोग अपनी इस लड़ाई को उस माध्यम से उस स्तर से सोच ही नहीं पा रहे हैं कि ये लड़ाई मेरी अपनी है, मेरे बच्चों की है, मेरे आने वाले भविष्य की है। गांव गांव जाकर यही उम्मीद हम कर रहे हैं कि सभी लोग इस लड़ाई में अपने आप को आगे लाएं, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे नौजवान हो। मैं आपको बता दूं, राजस्थान के जयपुर में प्रोग्राम हुआ, जैसा कि अभी कुछ देर पहले सुनील भैया जी ने बताया भी था कि 7 से 8 लाख लोग वहां पर गए, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी और तमाम राज्यों से यादव समुदाय भी पहुंचा और उनके साथ जो 36 बरादरियां जाट, गुर्जर, दलित या जिस भी जाति से आते हैं वो सभी लोग उस प्रोग्राम में गए। सर्वप्रथम तो इतने लोग कहीं इकट्ठा ही नहीं होते, भले ही वो कांग्रेस का अधिवेशन हो, बीजेपी की कोई रैली रही हो या किसी भी राजनीतिक पार्टी की कोई रैली रही हो, मगर इस संख्या में वो इकट्ठे हुए और इतनी शांतिप्रिय रूप से वो प्रोग्राम सम्पन्न हुआ कि वहाँ के होम मिनिस्टर ने भी आके ये कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद और काबिले तारीफ तरीके से ये प्रोग्राम हुआ और सम्पन्न हुआ। उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आगामी 20 अगस्त को लखनऊ के रमाबाई अम्बेडकर पार्क में माननीय श्री योगेंद्र यादव जी के नेतृत्व में एक यदुकुल महाकुंभ जनजागृति महासम्मेलन होने वाला है। मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि जब उसकी परमिशन ग्रांट कराई गई थी रमाबाई अम्बेडकर पार्क की, तो वहाँ जो परमिशन दे रहे थे उन्होंने ये कहा कि भाई तुम ना भर सको इसे ग्राउंड को। जो जी क्यों भाई, उन्होंने कहा तुम नहीं भर सकते इस ग्राउंड को तो इसके पीछे क्या कारण? तो उन्होंने कहा 10 लाख लोगों की कैपेसिटी है, तब 10,000 ना इकट्ठे हो। तो आप देखो 10 लाख की कैपेसिटी और वो ये कह रहे हैं कि 10 लाख 10,000 नहीं इकट्ठे हो सकते, जबकि संख्या की अगर बात करूं तो 3 करोड़ तो यूपी में ही है। तो क्या 10 लाख इकट्ठे नहीं हो सकता, आप बताओ मुझे? हो जाएंगे जी।
इतने मंदी आवाज में बोलोगे तो मुझे लगा तो ये प्रत्येक व्यक्ति इसको अपनी निजी जिम्मेदारी समझे, कोई ये ना समझे कि भाई मुझे तो फोन करके नहीं बोला गया, मुझे मैसेज नहीं आया, या फलाने के घेर में नहीं जाऊंगा या फलाने की जगह नहीं जाऊंगा। तो इस विचारधारा को छोड़ दो जी। देखो अगर इसी तरीके से बटे रहेंगे तो ना तो ये मांग उस स्तर से खड़ी हो पाएगी और ना ही फिर ये चीज मिल पाएगी। और अगर हमें पाना है अपने आने वाली जनरेशन का, आने वाली पीढ़ी का भविष्य और उज्ज्वल बनाना है, तो आपको इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। और समस्त छत्तीसगढ़ों को, किसी भी जाति से हो, कोई जातिगत बात नहीं है, किसी भी जाति से हो, अगर जैसे भारतीय सेना, जब हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं तो हम ये नहीं कहते वो यादवों से मिलकर बनी है, वो तो सेना है, भारत माँ के लाल है वो, तो उनके हक और सम्मान की लड़ाई है। और इसी बात के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी एक 36 गांवों की महापंचायत कराई जाएगी, जगह सुनिश्चित कर दी जाएगी, तो जिस पे भी जिस तरीके से भी हो सके वो पहुंचे, साइकिल गाड़ी ट्रैक्टर जिस भी तरीके से, कोई ये ना समझे कि मुझे तो फोन नहीं करा, मुझे मैसेज नहीं आया। और मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जब 36 गांवों की पंचायत होगी तो कितने लोग इकट्ठे होने चाहिए, क्योंकि अब से पहले भी कई पंचायत होली तो 200-250 मैंने तो बताया कि 200-250 लोग इकट्ठे हो गए, अब बाद में फोटो भेज के भाई इतने इकट्ठे हुए, तो आप बताओ सब लोग कितने लोग वहाँ उपस्थित होने चाहिए। 36,000 हमारे भाई ने कहा 36,000। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, देखो आपने 36 कहा, मैं बहुत खुश हूँ अगर 36 हो जाए। मेरी उम्मीद अपने यहाँ से ये है कि हमारे क्षेत्र से उस दिन लगभग 5,000 लोग इकट्ठा होंगे, 36,000 ही होंगे, टेंशन मत लो। और अगर ऐसा होगा तो फिर तो मुझे लगता है कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, इस लड़ाई को हम जीत ही जाएंगे। और साथ ही साथ मैं गुजारिश करूंगा कि सुनील यादव जी आए और अपने विचार रख के आप सभी के बीच में। तो भाई आकाश ने सब कुछ बता दिया आप पे, तो थोड़ा बहुत अभी बोल ले, मैं बोलना सीख रहे हैं। देखो असंभव कुछ ना है, और एक जो दिल में बताया ना कि भाई हम इकट्ठे नहीं हो सकते, हम इतने 200 जाऊंगे 400 जाऊंगे, ऐसा कुछ ना है। अब यादव के साथ साथ 36 बिरादरी हमारा साथ दे रही है यादव समाज का। और जो भाई ने बताया जयपुर में प्रोग्राम होया था, वहां मैं खुद गया था, 50 गाड़ी लेके अपने यार दोस्तों के, जिसमें सारा समाज मेरे साथ था, मेरे जाट यार दोस्त भी थे, कुछ यार दोस्त थे, पंडित भी थे, सब थे। कह रहे भाई अच्छे काम की थे, जब हमारी गैल चलो तो हम भी थारी गैल चले, अरे तो थारा के काम है तो हमारा काम है, जब एक सैनिक बॉर्डर पे अपना बलिदान दे रहा है तो वो एक अपनी जाति के लिए नहीं देता है, अपने गाँव के लिए नहीं देता, वो पूरे देश के लिए देता है, 36 बिरादरी के लिए देता है। तो 8-10 लाख की भीड़ थी जयपुर में, मेरी भी आंख फटी रहेगी, क्योंकि मैंने भी उम्मीद नहीं थी, जैसे भाई ने यहाँ यकीन नहीं हो रहा ना कि मैं इतने आदमी इकट्ठे होंगे, जब 24 से की पंचायत करेंगे, कह रहा जी 2,000 होंगे 500 होंगे, फिर कह दिया 5,000, भाई कह रहे 36, मैं कह रहा 36 ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे होंगे यहाँ। देखियो आप, अब सब जाग रहे हैं, युवा पीढ़ी चेंज हो रही है, सारा इलेक्ट्रिक वो मीडिया वाला जमाना आ रहा है, और सब बच्चे समझ रहे हैं कि हमने अरेंजमेंट की जरूरत है। जब एक फौजी माँ बलिदान दे रहे है, उसने तो अपनी जान दे दी, माँ बाप तो बेटा गया, भाई बहन तो भाई गया, बाढ़ गोतम का पिताजी गया, तो उनके सम्मान के लिए जो 20 अगस्त में भाई साहब ने रैली रखी है हमारे श्री परमवीर चक्र विजेंद्र जी ने, तो वहां ज्यादा तादार में जितने हो सके उतना जाना चाहिए हमने। और मेरी अपनी सोच बता रहा हूँ, मैं आज तक 10-20 लाख के बीच में आदमी आऊंगे जी, वहां वो ग्राउंड आज तक मायावती ने भरा है एक बार और किसी ने नहीं भरा गया। और मैं आपको एक चीज दिला रहा हूँ, वो सारा लखनऊ चौक होगा इस बार 20 अगस्त में, तो आपने बढ़ चढ़ के भाग लेना है और अपनी एकता दिखानी है, एकता दिखाओगे तो कामयाब हो जाओगे, क्योंकि संघ में बल है। गीता में भी लिखा है कलयुग में संघ शक्ति चलेगी, जहाँ मेजोरिटी रहोगी वही बड़ा, तुम यहाँ इकट्ठे होकर दिखाओगे सारा समाज, सारे विपक्षी भी होंगे और काम भी होंगे। 2024 में चुनाव आ रहा है लोकसभा का, उसका अपना पीएम का लोकसभा का, तो उन्होंने भी जरूर, जब आपकी मेजोरिटी दिखेगी वहां, यह तो 20-10 लाख आदमी एक साथ खड़े हो रहे मांग कर रहे हैं, अगर इनकी मांग नहीं मांगी तो नाराज हो जाएंगे हमारे,
तो आपकी मां मांगे मन नहीं है 100% मान लेंगे आपको बता रहा हूँ। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारा समर्थन करा है, बोलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। खट्टर जी ने भी कही है जो हरियाणा से मुख्यमंत्री है, तो सारा हिंदुस्तान जाग रहा। और जो लखनऊ की रैली होगी उसमें जयपुर से भी आदमी आऊंगे, दिल्ली से भी आऊंगे, हरियाणा से भी आऊंगे, मध्य प्रदेश से भी आऊंगे। तो आप इस चीज गति छोड़ दो कि वहां भीड़ इकट्ठी रहो, भयंकर भीड़ इकट्ठी होगी। और आपने वो मेला देखना चाहिए, यो मौका बार बार नहीं मिलेगा इस तरह से भीड़ इकट्ठी। आपने कभी यादव इकट्ठे थे उतने ना देखे होंगे पहले, 10-5 हजार 20 हजार इकट्ठे हो गए कहीं वैसे इकट्ठे हो गए। लेकिन मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ 10-20 लाख के बीच में रहोगी। तो आपने अपना पूरा योगदान देना है। और हम जहाँ जिस जिस गांव में जा रहे हैं हमने खूब समर्थन वो मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, कहते हैं हम जाऊंगे भर के जाऊंगे। कई सरपंच दो उसमें भेजूंगा अपने गाँव, तो मेरी जिम्मेदारी है। तो एक हौसला उठ रहा है ना, कोई दिक्कत है टेंशन मत लो, सारे काम होंगे। मैं हौसला में टूटन दो अपना। और किसी भी भाई ने मान लो आपस में कहीं भी समाज में यार दोस्त बैठे हैं तो चर्चा करे करो कि भाई जो अरेंजमेंट बन रही है सबके के फायदे हैं। भाई फायदे तो 36 बिरादरी ना होंगे, जब उसमें ऐसा नहीं है कि यादव बच्चे सारे 36 बार समाज भक्ति हो, उसमें सबने नौकरी मिले हर तरह की। तो ये चीज लेके छोड़नी है जी बिल्कुल। अब ये पहली बार इतना कभी नहीं हुआ, इस बार पूरे हाई लेवल पे चल रही है, बड़े अच्छे तरीके से चल रही है, टेंशन मत लो। और हमने आपका सब साक्षी है, बात जोड़ो ये नहीं होता सबना। अपने गाँव में जितनी ज्यादा से ज्यादा भोग उतनी ज्यादा से ज्यादा भीड़ पहुँचाएंगे। कोई मेरा युवा साथी आगे अपने विचार रखे तो तभी युवा साथ रहेगा जी अपने गाँव का पूरा। हाँ भाई बोले भाई, जितने भी भाई युवा है जो भी जाना चाहेगा मैं जाऊंगा। और जो कभी ये सोचो कि अकेला हूँ मैं ना जा पाऊँ तो भाई मैं जाऊँगा लेके, जितना मेरे से हो सकेगा मैं लेकर आऊंगा, किराया मैं लगाऊंगा। और उससे पहले लक्ष्मी भाई चलो, ये जो भाई अपने आकाश भाई हैं, ये भाई आए हैं, यूं काम बहुत ही हिम्मत का है। हमारे समाज के लोग डरेंगे, हमारे ये मेरे भाई बेटे सब डरेंगे। आज आकाश ने जिम्मा उठाया है तो इसकी टांग खींचने वाले बहुत होंगे। तो इस काम को मत करो, हिम्मत बनाओ और साथ खड़े रहो भाई के अपने के। समाज का काम है ये, कोई अपने किसी पर्सनल कार्य ना हो रहा, सभी के साथ की क्यों है, तुम्हारे ही लिए है, हमारे लिए है, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए है। अभी भाई कह रहा है कितनी भीड़ होगी 36 गांव में, मैंने बोला 36,000 तो 36,000 ही होने चाहिए, 5,000 की उम्मीद में। लक्की भाई चलो, लक्की भैया तुम भी दबा दो। 20 अगस्त का वहाँ प्रोग्राम है और आखिरी तारीख आप बता देंगे जब। तन्नू भैया चलिए, लक्की और तन्नू भजड़ के भाग ले में दोनों। तन्नू चलिए, कुछ कह भी दो तो। 14 अगस्त के दिन आपके गांव में जो बच्चे इस बार 10वीं और 12वीं में प्रथम और द्वितीय आए हैं, जैसे कि हमने पिछले साल भी सभी बच्चों को गांव गांव जाके सम्मानित किया था, तो इस बार उससे पहले कोई मीटिंग नहीं कराएंगे हम, सीधा उन बच्चों को सम्मानित करेंगे। तो जिस दिन भी ये प्रोग्राम होगा आप तक खबर पहुँच जाएगी। और मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जैसा आप एकता के साथ आज इकट्ठे हुए सभी बुजुर्ग और नौजवान, उस दिन भी सभी लोग। बिल्कुल जी बिल्कुल। जय माधव, जय माधव, जय माधव।
हका मारो, हका मारो, बोलो दादा किसानी की जय। वहां से आके नहा धो के हम भी बैठे और मेरा कहने का मतलब भाई यही था कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ पहुंचो, 36 बिरादरी पहुंचो। ये नहीं है भाई यादव का है तो यादव ही जाएंगे, क्योंकि भाई 36 बिरादरी वहाँ तक जानी चाहिए, क्योंकि आज जो 36 बिरादरी हमारे सपोर्ट में खड़ी हो रही हैं, कल भाई हम भी उनके सपोर्ट में खड़े होंगे। ऐसी बात नहीं है सबका भाई बुरा टाइम कभी ना कभी आता है, ये नहीं है। आज हमारा ऐसा चल रहा है कि आपका भी, तो हमारा चाहना तो यही है कि भाई ऐसा कभी भी किसी का टाइम आए ना। और भाई जितने भी मेरे भाई गुजर हैं, जाट हैं, पंडित हैं, जो भी कास्ट से हैं आदर से, भाई सारे के सारे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचो, क्योंकि भाई 36 बिरादरी पहुँचेगी तो वहाँ पर वो ग्राउंड में भाई 10 लाख आदमी चाहिए, क्योंकि वो मायावती ने ग्राउंड भरा था, अपने पीछे सुनी होगी, और किसी पर वो आज लोग ग्राउंड ही नहीं भरा गया। तो मेरे भाई जितने भी हैं सारे के सारे पहुँचो वहाँ और इस ग्राउंड को भाई भर के दिखा दो, रिकॉर्ड तोड़ दो भाई। वहाँ का 10 लाख की बात हो रही है तो आप भाई 20 लाख पहुँच जाओ, ये हिसाब रखो अपना। तो बस भाई मेरा मानना तो यही था कि बताना भी यही था कि आप भाई ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचोगे तो तभी कुछ होगा। और ये थोड़ी है भाई मैं नहीं जा रहा तो वो भी नहीं जा रहा, तो भाई वो नहीं जा रहा तो तुम जाओ, दूसरे बंदे को फोर्स करो कि चल 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 उसका भाई दिमाग, मतलब अभी भाई बहुत टाइम है, 20 अगस्त को पहुंचना है, तो अभी भाई पहले से प्लानिंग कर लो कि कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है। और गांव से तो भाई हमारे से बस भी जा रही है, और भाई 1, 2, 3, 4 बंदे जो भी मतलब मेरे से होगा मैं भी उनको अपने साथ लेके जाऊंगा। शायद हो सके तो मैं एक दिन पहले भी चला जाऊँ वहाँ, होटल ले कर रहूँ और वहाँ भी भाई 1-2 ब्लॉग बनाऊँ, फिर आपको उसके बारे में भी बताऊँ। जैसा भी सीन रहेगा भाई वो आपको आगे पता चल जाएगा, बस भगवान की दुआ से मैं ही मेरे पेपर या प्रैक्टिकल कुछ ना फंसने चाहिए। अगर उस टाइम पर भाई मेरे पेपर या प्रैक्टिकल आया तो भाई फिर मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा। तो यही सीन है, कभी भाई ये सोचो तू नहीं वहाँ तक जा पाया, इसलिए मैं भाई अभी व्लॉग में पहले बता के चलो मेरा पेपर या प्रैक्टिकल फंसेगा तो भाई मेरे को दिक्कत हो सकती है। तो भाई मेरा आपसे यही निवेदन था, सारे के सारे भाई पहुँचो 36 बिरादरी भाई, क्योंकि भाई आज हमारी बिरादरी को सपोर्ट, आज हमारी बिरादरी को सपोर्ट की ज़रूरत है। कल को भाई आपकी आपको भी हो सकती है, कुछ भी समस्या आ सकती है तो भाई हम भी साथ खड़े रहेंगे। अगर आज आप खड़े हो तो हम कल आपके साथ भी खड़े हैं। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा भाई पहुँचना, और इस वीडियो को भाई इतनी शेयर करना कि पूरे में ये वीडियो पूरी फैल जाए। तो भाई जितने भी मेरे भाई हैं, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन यही है उनसे कि सारे के सारे भाई इस वीडियो को अपने स्टेटस पे लगाओ, व्हाट्सएप पे शेयर करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि भाई मुझे इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए। ये नहीं है भाई देख ली और तुमने स्किप करके देखी हो, चल कैसे भी देखी हो ये शेयर नहीं कर रहे। अब तुम शेयर करोगे तो 4 आदमी फालतू को ही पता चलेगा, 4 आदमी को पता चलेगा तो वो एक तो करेगा ही करेगा ना दूसरे को शेयर। तो यही होता है कि अब आप थोड़ा सा हौसला दिखाओगे तो पब्लिक अपने आप शेयर करेगी, अब आप ही शेयर नहीं कर रही तो पब्लिक कहाँ से शेयर कर देगी। तो भाई यही सारे सारे भाई सोचना कि 20 तारीख को भाई एक दिन इस टाइम को निकाल लेना, क्योंकि आगे जाने वाले टाइम में अब जिसकी एज निकल गई आर्मी के लिए उनका तो कोई नहीं, पर आगे जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भाई हमारे जो भी है किसी काम में दिक्कत ना आए, रेजिमेंट रहेगा तो भाई हमारी भर्ती भी अलग लगेगी। सब हर एक गुजर का रेजिमेंट है भाई, सब तुम्हारी जातियों का रेजिमेंट है तो भाई उनकी भर्ती अलग निकलती है। तो सारे भाई 36 बिरादरी अपना साथ सपोर्ट देना और भाई अपने साथ चलना भाई जितने भी हैं। तो जी यही था, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब भाई चैनल को कर लेना, जो बंदा नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। तो मिलते हैं भाई आपको न्यू नेक्स्ट व्लॉग के साथ जल्दी ही, और इस व्लॉग को देखने के लिए धन्यवाद। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं जल्दी न्यू नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टिल देन बी सेफ, बाय बाय।